इस लेसन में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 12th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है f of x is equal to 1 divided by x raised to power m और m जो आपके पास ये पावर है ये बिलोंग्स करती है नेचुरल नंबर से. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन में आपके पास सिंपल था x raised to power m, यहां है 1 divided by x raised to power m. तरीका इसका बिल्कुल वही है. हम 4 स्टेप्स इस पे अप्लाई करेंगे. ये बाइनोमियल थ्योरम है जो मैंने आपके लिए लिख दिया है कि इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं. देखें पहले क्या होता है, जो भी पावर, एक दफा मैं दोबारा बता देती हूँ, एन सी जीरो ए है आपके पास, यहाँ पे कुछ भी होगा ए की जगह, उसमें से आपने ये माइनस करना होगा एन माइनस जीरो और बी की पावर क्या होगी, ये होगी. सिमिलरली ये इसके बाद हो जाएगा एन सी वन. इसमें क्या है, ए आपके पास जो भी है उसकी पावर एन माइनस वन हो जाएगी और बी में सिंपल ये होगा, एन को कंसिडर नहीं करेंगे एंड सो ऑन. इसी बिल्कुल बाइनोमियल को फॉलो करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखें क्या हो जाएगा. सबसे पहले मैं कहती हूँ कि इसको, ये जो हमारे पास फंक्शन x रेस टू पावर m है, अगर मैं इसकी पावर को ऊपर ले आऊं तो हम इसको लिख सकते हैं x रेस टू पावर नेगेटिव m, राइट. इसको मैं सपोज कर लेती हूँ कि यह y है, क्योंकि यही मैंने आपको कहा है, जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको हम y सपोज कर लेते हैं और इसको मैं कह देती हूँ कि ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. अब क्या है, अब हमने दोनों तरफ इसका इंक्रीमेंट लेना है और ये 4 स्टेप में सॉल्व होता है. आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग इंक्रीमेंट. यहाँ आप लिखे जरूर, मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, राइट. ओके, ये हमने यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट लेना है. तो क्या होगा इंक्रीमेंट, यहाँ y है, ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y. यहाँ हमारे पास x है तो आपने इसके इंक्रीमेंट में x लेना है, x प्लस डेल्टा x होल रेस टू पावर माइनस m. अब क्या होगा, जो हमने क्या किया था लास्ट स्टेप, लास्ट क्वेश्चन में, कि ये जो y आपके पास मौजूद है आपने इसको राइट साइड पे लेके आना है. डेल्टा y आपके पास एज इट इज यहाँ होगा. ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x होल पावर m माइनस y. यहाँ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गई. अब जैसे कि यहां मैंने कहा कि y इज इक्वल टू x रेस टू पावर माइनस m है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. आप यहाँ लिखें जरूर, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2. इसमें हमने 2 में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y आपके पास सेम होगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस डेल्टा x रेस टू पावर माइनस m और y की जगह हो जाएगा x रेस टू पावर माइनस m. सिंपल हो गया हमारे पास, राइट. अब हमने क्या करना है, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, अब हमने स्टेप 2 शुरू करना है और स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे हम स्टेप 2 में, देखें यहाँ पे हमारे ये पावर जो है ये डेल्टा एक्स की भी है, ये एक्स की भी है, क्योंकि होल पावर है. अगर मैं इसमें से एक्स रेस टू पावर एम कॉमन ले लूं इन दोनों में से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रह गया, यहाँ एक्स नहीं है, इसलिए डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल रेस टू पावर एम और यहाँ माइनस x रेस टू पावर m मौजूद है. अब क्वेश्चन ये है कि मैंने ये क्यों कॉमन लिया, इसलिए मैंने x रेस टू पावर माइनस m यहाँ कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो भी x रेस टू पावर माइनस 1 है. अब ये एक टर्म है, ये एक कंप्लीट दूसरी टर्म है, इन दोनों में x रेस टू पावर माइनस m कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इसका हमारे पास हो जाएगा माइनस m पावर और ये जो कॉमन आ गया इसकी जगह हमारे पास आ गया माइनस 1. अब यहाँ हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, बिल्कुल वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया. यहाँ तो हमारे पास डेल्टा वाई ही होगा. बाइनोमियल थ्योरम में ये एक्स रेस टू पावर माइनस एम, ये हमारे पास एज इट इज है, इसको हम सॉल्व करते हैं. ए की जगह यहाँ हमारे पास 1 है, बी की जगह हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स है और हमारे पास पावर एन की जगह है माइनस एम. तो पहले क्या होता है, माइनस एम, राइट, एन सी जीरो में माइनस एम जीरो, ए की जगह है 1, माइनस एम माइनस जीरो और बी की पावर हो जाएगी 0.
राइट, फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस एम वन एन सी वन हो गया, एक ही जगह वन है तो ये हो जाएगा माइनस एम माइनस वन और बी पावर वन, प्लस माइनस एम एन सी टू और वन हो जाएगा हमारे पास माइनस वन माइनस टू, और ये हमारे पास है, यहां देखिए हमारी गलती हो गई है, यहां मैंने लिखना था डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर, ये हमारा वन है और बी हमारे पास है डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ये जल्दी में ये होता है कि हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स हमारे पास, राइट। अब क्या है, अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन याद रहे कि इसके बाद हमारे पास माइनस वन भी मौजूद है, तो प्लस सो ऑन करने के बाद जहां हम माइनस वन भी जरूर लिखेंगे, इसको बिल्कुल आपने नहीं भूलना। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स रेज टू पावर माइनस वन, ये आपके पास माइनस एम यानी एन सी जीरो, मैंने आपको बताया था कि ये वन के इक्वल होता है, वन की कुछ भी पावर हो वो भी वन हो जाता है, और ये एक्स की पावर है नॉड, राइट, किसी चीज की भी पावर जीरो होती है तो भी वन हो जाता है, ये टर्म तो आपकी कंप्लीट हो गई जी वन। ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ये है माइनस एम ओवर वन फैक्टोरियल, ये भी वन हो गया और ये भी वन है, तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास एम माइनस एम ओवर टू फैक्टोरियल इंटू माइनस एम माइनस वन, और ये आपके पास वन हो जाएगा, जबकि ये आपके पास है डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर सो ऑन माइनस वन, राइट, ओके। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक दफा आपको समझ में आ जाए कि इसमें फोर स्टेप अप्लाई करने हैं, बाइनोमियल अप्लाई करना है, बहुत इजी हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, ये वन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस, इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, माइनस एम इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस, आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि इसको भी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, टू फैक्टोरियल माइनस एम माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन एन माइनस वन। अब इस स्टेप में ये नेगेटिव वन है, ये पॉजिटिव वन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आगे हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास यहाँ पे रह गया एक्स रेज टू पावर माइनस एम माइनस एम डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस माइनस एम माइनस एम माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखें डेल्टा एक्स इसमें भी मौजूद है, डेल्टा एक्स इसमें भी मौजूद है, इसलिए ये डेल्टा एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस एम डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास, और यहाँ हमारे पास क्या रह गया माइनस एम ओवर एक्स प्लस माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, और यहाँ एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया और नीचे डेल्टा एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर रह गया एंड सो ऑन। अब यहाँ थर्ड स्टेप है, और थर्ड स्टेप में हम इसको दोनों को, यहाँ हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास डेल्टा वाई था, तो यहाँ आप जरूर लिख लें कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो इसको मैं एक स्टेप में ही आपको करके बता देती हूँ, लेकिन आपने दोबारा इसको लिखना होगा डेल्टा एक्स ओवर, यहां से ही कर लेती हूँ मैं डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आपके पास क्या रह जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर माइनस एम माइनस एम डिवाइडेड बाय एक्स प्लस यहाँ है माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल और यहाँ डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, राइट। अब देखें अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर क्या होता है, हमने करनी होती है अप्लाई लिमिट,
लिमिट अप्लाई करनी होती है हमने डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, ये भी हमने बोथ साइड पे करनी है. तो यहां क्या हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और यहां हो गई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एक्स रेज टू पावर माइनस एम, और यहां आपने ये एज इट इज लिख लें माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. देखें ये हमें क्यों नहीं इसको आगे सॉल्व करती, बस प्लस के बाद सो ऑन लिख दिया, इसका भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ. अब आप ये देखें कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पे जब भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो अप्लाई होगी तो ये हमारे पास हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ जहां पे डेल्टा एक्स है वहां आपने जीरो लगाना है, तो ये आपके पास एज इट इज हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो डेल्टा एक्स है नहीं, यहाँ हमारे पास भी डेल्टा एक्स नहीं है, माइनस एम ओवर एक्स आपके पास एज इट इज होगा. सॉरी इसको मैं प्लस कर देती हूँ, राइट ये प्लस है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, जब मैं इसको जीरो करूंगी तो ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, इसलिए इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व नहीं करती क्योंकि अब इसके बाद जो भी आपके पास टर्म आएगी उसमें डेल्टा एक्स जरूर आएगा, और जब हम डेल्टा एक्स में जीरो पुट करेंगे तो वो सारा जीरो हो जाएगा, इसलिए हम आगे नहीं कर रहे, इसको आपने प्लस कंसीडर करना है, राइट ओके. बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि इसको इरेज करके लिख देती हूँ. ताकि ये ना हो के ओके ये हो गया हमारे पास. अब ये क्या रह गया हमारे पास x रेज टू पावर माइनस m, और यहां हमारे पास माइनस m है तो मैं इस माइनस m को ऐसे कर लेती हूँ और डिवाइडेड बाय x. अब देखें x आपके पास डिनोमिनेटर में भी मौजूद है और x आपके पास न्यूमिनेटर में भी मौजूद है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास कि मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ ताकि आपके सामने हो जाए कि डी वाई बाई डी एक्स आपने इसके नीचे लिखना है इक्वल टू माइनस एम, ये तो माइनस एम है लेकिन ये भी बेस इसकी सेम है, ये भी एक्स है, ये डिनोमिनेटर में आप इसको ले आए तो ये हो जाएगा एम प्लस वन या वन प्लस एम, ये इसका आंसर हो गया. तो हमने इस क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम से किया, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आ रहे हैं. आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं, साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत